قلبي يجل قلبي وروحي أراح في ولساني. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आज की इस नई वीडियो के अंदर आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इनिशियल, फाइनल और टून के मुतालिक बात की थी। इनिशियल और फाइनल की बात तो मुकम्मल हो गई थी, अलबत्ता टून को पढ़ने का तरीका बाकी था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टून को पढ़ने का तरीका और टून के मुतालिक दो कानून। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने जाना कि चाइनीज़ टोन यानी अलामात चार हैं, उनको पढ़ने का तरीका ज़रा मज़ाहिया सा है मगर है इंतहाई आसान। दोस्तों, ये चार टोन्स आपको नज़र आ रही हैं, जो ए के ऊपर पहली जो बिल्कुल सीधी है और इसी तरह बखिया तीन, इनका मतलब है आवाज़ का उतार चढ़ाव। आवाज़ कहीं से सीधी होगी बिल्कुल बराबर, कहीं से कम से ज़्यादा, कहीं बिल्कुल कम, इन टोन्स का ये मतलब है। अब पढ़ते हैं पहली टोन ए के ऊपर जो बिल्कुल सीधी है, इसको पढ़ेंगे आ, बिल्कुल सीधा, कहीं से आवाज़ ऊपर नीचे आ ऐसे नहीं करेंगे, आ पहली टोन। आगे दूसरी टोन, उसके अंदर आवाज़ नीचे से ऊपर जा रही है, इसको पढ़ेंगे आ, यानी कम आवाज़ से तेज़ करेंगे आ। और तीसरी टोन के अंदर आवाज़ तेज़ से कम होगी और कम से तेज़, जैसे आ आ आ आ। और चौथी टोन के अंदर आवाज़ ऊपर से नीचे आएगी यानी स्लो हो जाएगी, जैसे आ आ। तो दोस्तों, ये था टोन्स पढ़ने का तरीका, आपने इनकी अच्छी तरह मशक करना। दोस्तों, टोन्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि टोन के बदलने से माना भी बदल जाता है। जैसे अरबी के अंदर ज़बर ज़ेर के बदलने से माना बदलता है, इसकी मिसाल आप तस्वीर में देख रहे हैं कि फिनियन सब में एक है लेकिन आगे माना सब का मुख्तलिफ है, वजह सिर्फ टून बदल रही, लिहाजा इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। अब हम बात करते हैं दो कानून की। पहला कानून आप याद रखें कि इनिशियल पर कभी टून नहीं आती, हमेशा फाइनल पर आएगी, जैसे कि मिसाल से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूसरा कानून कि अगर फिनियन के अंदर दो फाइनल जमा हो जाएं, तो टून किस पर आएगी, इसका कानून भी आप अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए। दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपको छः हरफ नज़र आ रहे हैं जिनको वूवल हरूफ या हरफ इल्लत भी कहा जाता है। टून इस तरतीब से आएगी, ये जो आपको छः हरफ लिखे हुए, ये आपको मैं मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल देखें, लिखा हुआ है हाओ, एच ए ओ हाओ, इसमें ए और ओ दो फाइनल है। अब टून किस पर आएगी, अब हम देखेंगे कानून, मतलब उन छः हरफों के देखेंगे कि उनमें से पहले कौन है, पहले ए है या ओ है। दोस्तों देखें, पहले ए है लिहाजा टून ए पर आएगी। दूसरी मिसाल देखें, एच ओ ए ख्वा, इसके अंदर भी ओ और ए फाइनल हैं, तो कानून के मुताबिक अब टून किस पर आनी चाहिए, ओ पर आनी चाहिए या ए पर आनी चाहिए, ये अब आप खुद बताएंगे इस कानून की मदद से। फिनियन लफ्ज़ के अंदर आगे पीछे का कोई एतबार नहीं, एतबार कानून का होगा, उसमें जो पहले होगा टून उसी पर आएगी, ये कायदा हर जगह चलेगा, इसको अच्छी तरह समझ लें। जी दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, आज का जो कानून हमें पढ़ा है, अगर हम इसको याद कर लें तो चाइनीज़ ज़ुबान लिखने में कभी भी गलती नहीं होगी। तो दोस्तों, अब फिनियन को पढ़ना कैसे है, फिनियन को लिखना कैसे है, इसको जानेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।